जिंदा है बेटा, ये काफी बड़ा है। बढ़िया ना मौसम आज ना, इधर ये बहुत धर्म का है और इस तरफ जो है ये सिख धर्म का गुरुद्वारा है और ये बहुत धर्म का है इधर। और ये सारी बैक साइड में झील है, पूरी घूमेंगे आज। पहले वन विहार देखना है, बोलो बेटा, है ना? देखा था हमने पहले भी एक बार, मिनी जू है रिवालसर का। और यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से जानवर हैं आजकल, है ना? और वो देखो बुद्धिस्ट फाउंडेशन जो ये स्टडीज वगैरह करते हैं, मेडिटेशन सेंटर है ऊपर, वो देखो दिख रहा है ना। और ये देखो ये मुनाल का है और ये हिमालयन थार है, ये कस्तूरी हिरण है, ये ब्लू शिप है, और ये कौन सी है पढ़ो इसको, कालीज फीजेंट, और आगे कौन सा है साही। पालमपुर वाला जू भी तो देखा है आपने, वैसे ही है इसमें ना, ज्यादा वैरायटी नहीं है यहाँ पे। ये है जुजुराना और वो सांबर है जो आपने पालमपुर जू में देखे थे ना, वही है यहाँ पर भी। चलना है अंदर, लेट हो जाएंगे। देखो बेटा कितनी सारी फिश है यहाँ पे ना, बहुत बड़ी लेक है ये। देखो बेटा इधर देखो कितनी सारी फिश है, नंदी महाराज भी है, और देखो बहुत सारी फिश है, नंदी महाराज दुनिया भर की फिश है, आ जाओ। वाओ, बहुत सारी फिश हैं। चलो दिखाता हूँ, एक मिनट हटो अंजल। बहुत सारी फिश हैं, फोन ना खींच ले गई। देख लो उंगली खाती। और देखो इसमें आ रही है, कैमरा को देख के तो बहुत आ रही है। इनको मानना नहीं है YouTube, देखो ये ऐसे आ रही है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं मंडी जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रिवालसर में, और यहाँ पर जो है हर वर्ष बैसाखी का मेला लगता है। हिंदू सिखों और बौद्धों के लिए एक पवित्र और धार्मिक स्थल है रिवालसर में। प्राकृतिक झील है, देख सकते हैं आप बैक साइड में काफ़ी बड़ी झील है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में अंत तक, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और वेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें, ताकि स्मैश मैप पर जो है हमारे द्वारा डाले गए धार्मिक मंदिरों के वीडियो ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर रिवालसर में एक प्राकृतिक झील है और जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी मछलियाँ हैं, इनके कारण भी जो है यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्धि है। और बहुत सारे श्रद्धालु जो है हर वर्ष यहाँ पर अब अलग अलग धर्मों के मंदिरों को दर्शन के लिए आते हैं। जिंदा है बेटा, ये काफी बड़ा है, मैं सोचा पहले पता नहीं क्या है। अभी हमने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, और देख सकते हैं आप हमें काफी बड़ा कछुआ मिला है यहाँ पर, और मैं इसको पानी में छोड़ने वाला हूँ। आ जाओ बच्चों, देख सकते हैं आप कछुआ जो है
अपनी गर्दन और पांव जो है निकाल रहा है, पीछे भी रहना बेटा ना, आप छोड़ोगे? हैं सुजल पकड़ो, कौन पकड़ेगा जल्दी? अंजना आपने छोड़ना पानी में? आ जाओ तो आ जाओ, चलो चलो चलो, देखो इसका, इसका देखो ये निकाल रहा है मुंह। बाय बाय दोस्त, ब्लू ब्लू, चलो पत्थर है एकदम, चलो चल जाओ, चल गया भाग गया। देखो कितनी सारी मछलियां हैं, हाँ तो देखो फीस देखी बेटा। सबसे पहले हमने झील का पूरा परिधि ली, बच्चों को घुमाया और उनको फिश वगैरह दिखाई, उसके साथ ही जो है ऊपर एक जू था वो भी दिखाया। आइए अब आपको लिए चलते हैं जो यहाँ पे लोमस ऋषि का मंदिर है, पहले सबसे पहले हम आपको वहाँ पे दर्शन करवाते हैं। ये देख सकते हैं आप, जय बाबा लोमस ऋषि जी का मंदिर है। आइए अब आपको यहाँ पे लिए चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये लोमस ऋषि हैं और सबसे पहले हमने परिवार से जो है यहाँ पे माथा टेका। यहाँ पर जो है रिवाजसर का जो है सारा इतिहास बताया गया है कि कैसे कैसे जो है यहाँ पर इस जगह की स्थापना हुई है और अन्य देवी देवताओं के मंदिर जो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। नंदी महाराज जी के पास भी टेको माथा, सुंदर नंदी महाराज की मूर्ति बनाई गई है यहाँ पर माथा टेका। ये देख सकते हैं आप लोमस ऋषि मंदिर के साथ जी शिवा और पार्वती की बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई हैं। ये देख सकते हैं आप मंदिर के बाहर जो है महिलाओं को बैसाखी पर्व पर स्नान इत्यादि करने के लिए जो है यहाँ पर घाट भी बनाए गए हैं और महिलाओं के लिए स्नान की व्यवस्था भी यहाँ पर इन घाटों पर की गई है। आइए अब आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में लिए चलते हैं। जय हो भगवान। ये देख सकते हैं आप मंदिर के बाहर जो है गणेश और हनुमान जी की बहुत ही सुंदर मूर्तियां जो है यहाँ पर बनाई गई हैं। जय हो महाराज। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित की गई है और काफी प्राचीन मंदिर है। आइए अब आपको प्राचीन शिव मंदिर में लिए चलते हैं। ये देख सकते हैं आप मंदिर काफ़ी प्राचीन है और बहुत सुंदर देवी देवताओं की मूर्तियां जो है मंदिर के प्रवेश द्वार पर बनाई गई हैं। ये देख सकते हैं आप। जय हो भगवान। जय हो। ये देख सकते हैं आप मंदिर के गर्भगृह में जो है शिवलिंग की स्थापना की गई है। जय हो, जय जो महादेव, हर हर महादेव। टेको माथा सभी। ये देख सकते हैं आप, यह मंदिर भी काफी प्राचीन है। ये देख सकते हैं आप मंदिर को बनाने में जो है विशाल बड़ी बड़ी शिलाओं का जो है इस्तेमाल किया गया है और ये गुंबद भी सारे जो है पत्थरों से ही बनाए गए हैं और काफी सुंदर और प्राचीन मंदिर है। जब भी आप हिमाचल घूमने आए तो हमारे देवी देवताओं के मंदिरों में जरूर दर्शन करें। है जी, पहरेदार है ये। ये सब पत्थर से बना हुआ है। ये देखो कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। गणपति महाराज जी को भी टेका माथा तुमने, शाबाश, टेको माथा यहाँ भी। जय हो। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हनुमान जी की भी बहुत ही प्राचीन मूर्ति स्थापित की गई है और शनि महाराज जी की भी यहाँ पर जो है प्रतिमा स्थापित की गई है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप ऊपर पहाड़ी पर जो है पद्म संभव जो बौद्धों के गुरु हैं उनकी जो है प्रतिमा, विशाल प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। रिवालसर झील जो है चारों तरफ से जो है चीड़ के, पाइन के जिनको बोलते हैं पेड़, उनसे घिरी हुई है और यहाँ पर जो है सभी धर्मों के मंदिर है, बौद्धों के भी हैं और हिंदुओं के मंदिर है। उसके अलावा जो है यहाँ पर सिखों का एक गुरुद्वारा भी है। ये देख सकते हैं आप जो आपको सामने दिखाई दे रहा है।
ये देख सकते हैं आप, झील में जो है बहुत आए मछलियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ पर जो है साथ में जो है इस झील में स्वैन भी जो है तैरते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत बड़ी झील है ना, थक गए हम घूम घूम के। देखा आपने वो, देखो उधर दिख रही है ना, इतनी बड़ी है लड़ू, बहुत ज्यादा बड़ी है, थक गए हम अब। थाउजेंड नहीं है इसमें, मिलियंस बिलियंस, बहुत ज्यादा है, ट्रिलियंस पहुंच गया। वो कितना रह गया है, कोई एक किलोमीटर होना सारी सराउंडिंग में। आज के वीडियो ब्लॉग में देखा आपने, हम मंडी जिला के रिवालसर नामक जो जगह है, पवित्र स्थान है, वहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर बौद्धों, सिखों और हिंदुओं के पवित्र मंदिर हैं, और काफ़ी बड़ी प्राकृतिक झील है, और ये अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है। इसके साथ यहाँ पर बहुत ही मछलियाँ भी हैं इस झील में, और उनके लिए भी जो है इसको जाना जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, बाय बाय।